हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम आप लोगों को विज्ञान विषय पढ़ाएंगे। आज हम लोग विज्ञान विषय में पाठ पाँच पढ़ेंगे, पांचवा वाला पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग चार पाठ पढ़ चुके हैं, हम पांचवे पाठ से आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। पांचवा पाठ का यह पहला वाला भाग है, यानी कि पहला वीडियो है। और पहला ये पांचवा पाठ क्या है, पांचवे पाठ का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। क्षारक कहिए चाहे क्षार कहिए, अम्ल, क्षार और लवण, ये पांचवा पाठ है हमारा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, अगर अंग्रेजी की बात करेंगे तो अम्ल को कहते हैं एसिड, अम्ल को कहते हैं एसिड, और क्षार को कहते हैं बेस, क्या कहते हैं बेस, और लवण को कहते हैं साल्ट, लवण को कहते हैं साल्ट, ठीक है। तो एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल को अंग्रेजी में कहते हैं एसिड, क्षार को अंग्रेजी में कहते हैं बेस, और लवण को कहते हैं साल्ट, ठीक है। यही हमारा चैप्टर है, यही तीन चीज हमको पढ़ना है, ठीक। तो हम लोग साल्ट को पढ़ेंगे बाद में, साल्ट को हम लोग अंतिम में पढ़ेंगे, दूसरे वाले पार्ट में जब दूसरा वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आप लोगों को साल्ट के विषय में यानी कि लवण के विषय में अवगत कराएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से एसिड यानी कि अम्ल और बेस यानी कि क्षार, ये अम्ल और क्षार के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अम्ल क्षार के विषय में पढ़ना, ठीक है। कॉपी ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, और जैसे बता रहे हैं ऐसे ही अपने कॉपी और पेन पर, कॉपी पेन लेकर क्या है कि कॉपी पर लिखते जाइएगा जैसे ही बता रहे हैं हम। देखिए अम्ल क्या है, सबसे पहले अम्ल की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की, अम्ल यानी कि अंग्रेजी में एसिड की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए बहुत सारी चीजें आप लोग खाते होंगे, जैसे नींबू, नींबू खाते हैं स्वाद में कैसा लगता है, नींबू खाते हैं ना स्वाद में कैसा लगता है, खट्टा लगता है। ठीक उसी प्रकार से संतरा खाते हैं तो संतरे का भी स्वाद कैसा लगता है, थोड़ा सा खट्टा लगता है, बहुत अधिक अगर नहीं पका है तो खट्टा लगता है शुरू शुरू में। तो नींबू भी खट्टा लगता है, संतरा भी कैसा लगता है, नींबू है आपका ये भी कैसा लगता है खट्टा, संतरा है इसका भी स्वाद कैसा है खट्टा लगता है, आंवला है आंवला भी आप लोग खाते हैं, आंवला भी खाते हैं तो आंवला भी कैसा लगता खट्टा लगता है, इमली है इमली खाते हैं ये भी कैसा लगता है खट्टा लगता है, कुछ सेव जो क्या है कि पूर्ण रूप से पके नहीं है वह सेव, या फिर कच्चा आम, कच्चा आम कैसा लगता है वो भी खट्टा लगता है ना, तो कच्चा आम क्या है, कच्चा आम अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम बोल रहे हैं ऐसे बोलने से ही हमारे लिख लीजिएगा, नींबू है संतरा है आंवला है इमली है कच्चा आम है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग खाते होंगे तो उनका स्वाद किस प्रकार से लगता है, सबका स्वाद जो है सबका स्वाद किस प्रकार से लगता है, एक ही स्वाद होता है सबका स्वाद होता है कैसा खट्टा, सबका स्वाद कैसा होता है खट्टा होता है, सब स्वाद में किस तरह के होते हैं खट्टे होते हैं, इन सबका स्वाद है खट्टा। तो जिन जिन पदार्थों को खाने पर स्वाद में खट्टापन महसूस होता है, सिरका भी एक चीज है, सिरका आप लोग जानते होंगे, ठीक है, सिरका यह भी खट्टा लगता है, ठीक। कई चीजों का सिरका बनाया जाता है, गन्ने का सिरका बनाया जाता है, और भी कई चीजों का लोग सिरका बनाते हैं गाँव में, यह भी खट्टा लगता है। तो जो जो पदार्थ स्वाद में खट्टे लगते हैं उन पदार्थों को कहते हैं कि यह पदार्थ कैसे है, अम्लीय पदार्थ है,
ठीक है। और जो पदार्थ स्वाद में खट्टे लगते हैं और उस पदार्थ को अम्लीय पदार्थ कहते हैं, और यह गुण जो होता है वह किसके कारण आता है? विभिन्न अम्लों के पाए जाने के कारण आता है। ठीक, भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर परिभाषा की बात करेंगे इसकी, तो परिभाषा में हम लिख सकते हैं इसका कि साधारण परिभाषा आपके स्तर पे, यानी कि जब अब अगले क्लास में जाएंगे तो इसकी और भी परिभाषाएं मिलेंगी, लेकिन आपके क्लास में जितना जानना है उतना हम बता रहे हैं कि एसिड की परिभाषा क्या है अम्ल की। जो पदार्थ, ऐसे ही लिख लीजिएगा, जो पदार्थ स्वाद में, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। देख लीजिए, अम्ल की परिभाषा क्या है? जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे 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 में आप लोग लिख लीजिएगा, जितना एग्जाम्पल आप लोग लिख पाइएगा। नींबू है, नींबू है, संतरा है, इमली है, आम है, कच्चा आम, कच्चा आम है, आंवला है, आंवला है, सिरका है। ठीक है, ये सब क्या है? अम्लीय पदार्थ है। नींबू अम्लीय पदार्थ, संतरा अम्लीय पदार्थ, इमली अम्लीय पदार्थ, कच्चा आम अम्लीय पदार्थ, आंवला अम्लीय पदार्थ, सिरका अम्लीय पदार्थ, यानी कि ये सब क्या है? स्वाद में खट्टे हैं। ठीक है, तो अम्लीय पदार्थ हैं ये सब। अब अम्लीय पदार्थ क्यों है? स्वाद में खट्टे हैं। और खट्टे क्यों है? इनमें विभिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न चीजों में भिन्न भिन्न प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, अभी हम उसको एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल की परिभाषा क्लियर हो गई, अम्ल का ये उदाहरण क्लियर हो गया, कौन कौन से पदार्थ अम्लीय पदार्थ हैं। ठीक है, दूसरा चीज अब हम क्षार का परिभाषा देखते हैं, मिटाते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्षार की परिभाषा देखते हैं कि क्षार किसे कहते हैं। ठीक, क्षार तो क्षार में जैसे ये सोडा जो पड़ता है, खाने वाला जो सोडा होता है, उस सोडे को आप मुंह में रखिए, स्वाद देखिए किस प्रकार का उसका स्वाद होता है। कड़वा होता है, थोड़ी सी कड़वाहट होती है उसमें। ठीक है, उसके बाद आप चूने का पानी या फिर चूना ही जो है उसको, चूने को, चूने का पानी जो है, चूना जो कहा जाता है, हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं चूना। तो आप अगले कक्षाओं में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे यहाँ पर कल्ली वाला जो चूना आता है ना, कल्ली वाला चूना, तो उसका नाम कुछ और होता है। और जब उसमें पानी डाल दिया जाता है, पानी डालने के बाद जो है उसमें से बुलबुले निकल जाते हैं, उसमें से गर्माहट जो निकल जाती है, तो उसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो एक बिना बुझा चूना होता है और एक बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, तो जो चूना है उसका स्वाद देखिए, उसका स्वाद कैसा है। ठीक, साबुन, साबुन तो आप नहाते वहाते वक्त थोड़ा सा मुंह में लग ही जाता है, तो उसका स्वाद देखिए कैसा है। ठीक, सबका स्वाद जो है कड़वा होता है, इन सब चीजों का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक है, और दूसरी चीज, एक खासियत और है इसमें कि सोडे को भी हाथ में लेकर के थोड़ा सा पानी मिला करके ऐसे रगड़िए तो चिकना होगा, चिकनाहट महसूस होती है। साबुन को भी अगर रगड़ेंगे तो साबुन में भी चिकनाहट महसूस होगी। तो
ठीक। और चूना भी पानी डाल करके थोड़ा सा रगड़ेंगे तो हाथ में क्या है, चिकनाहट महसूस होगी। तो जो चीज स्वाद में कड़वा है और जो चीज स्वाद में कड़वा है और स्पर्श करने पर जो साबुन के तरह चिकना है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, छार कहते हैं। ठीक है, तो अब छार अंग्रेजी में लिख लीजिए, कहते हैं बेस। इसकी परिभाषा क्या है, जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और जिन्हें स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकनाहट महसूस होती है उन्हें छार कहते हैं, उन्हें छार कहते हैं। ये है आपके छार की परिभाषा। ठीक है, जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं और जिन्हें स्पर्श करने पर, छूने पर या रगड़ने पर साबुन की तरह चिकनाहट महसूस होती है, उन्हें क्या कहते हैं, छार कहते हैं। जैसे जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाएगा तो इसमें क्या है कि सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कुछ नहीं है, यह है क्या, चूने का पानी है। ठीक है, अब कली वाला जो चूना होता है वह कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको मत चखने लगिएगा नहीं तो वो काट देगा मुंह को। ठीक है, तो बुझा नहीं होता है, तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बुझा हुआ चूना, इसे का एक नाम और है, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको जब फार्मूला लिखते हैं CaOH होल ट्वाइस, तो वह आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, आप नाम याद रखिए खाली। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा कैसे, इसकी बात कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। चूना लीजिए, वो कली वाला चूना लीजिए और चूने को किसी गिलास में ले लीजिए, परख नली में लीजिए, आपके पास जो सुविधा हो उसमें ले लीजिए। ठीक, तो चूने को क्या करिए, आप किसी गिलास में ले लीजिए। ठीक है, और गिलास में ले करके उसमें क्या करिए, पानी डाल लीजिए। जब पानी डालेंगे तो वह चूना क्या होगा, धीरे धीरे घुल जाएगा पूरा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भाप निकल जाएगी। जब निकल जाएगा, चूना घुल जाएगा, तो देखते होंगे आप कुछ देर छोड़ने के बाद ऊपर ऐसे पानी बैठ जाता है। ठीक है, अब वह जो ऊपर पानी बैठा है उसी पानी को आराम से धीरे धीरे निथार लेंगे, अलग कर लेंगे पानी को, और जो चूना नीचे बैठा हुआ है उसको अलग कर देंगे। तो वह जो पानी बचता है ना, पानी चूने को पानी में मिलाने के बाद, जब दोनों मिलने से जब ऊपर जो पानी आता है वह पानी ही कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसी को कहते हैं चूने का पानी। ठीक है, वही है आपका चूने का पानी। तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है, किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का
होता है। ठीक है, फिर बहुत सारे उदाहरण है, नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, नहीं तो परिभाषा जैसे मैं ऊपर लिखते हैं परिभाषा पहले नोट कर लीजिएगा। जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं और जिन्हें स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकनाहट महसूस होती है उन्हें क्षार कहते हैं। जैसे में पहला है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, चूने का पानी कैसे बनाते हैं यह बता दिए हैं। दूसरा हम लोग इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह भी क्या है आपका क्षार है। ठीक है, यह नए ओएच और इसको के ओएच लिखते हैं। ठीक, तो वह आपको नहीं जानना है, आगे बताया जाएगा अगले क्लास में। इसको ऐसे लिखते हैं के ओएच और इसको ऐसे लिखते हैं एच लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों भी क्षार हैं। यह दोनों मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं क्या बनाने में, साबुन बनाने में। यह दोनों प्रयोग किए जाते हैं साबुन बनाने में, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यह भी क्षार हैं और प्रयोग किए जाते हैं किसमें, साबुन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो भाई साबुन जो चिकना है ही तो यह क्षार तो है ही, तो क्लियर है, लिखना में याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब तीसरा चीज है इसमें, तीसरा एग्जाम्पल है, इसको भी मिटाते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं हम। अब इसमें क्या है, तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा उदाहरण है, तीसरा उदाहरण है क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यह भी क्या है क्षार है। इसका नाम क्या है, इसका नाम दो नामों से जानते हैं, इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को दुधिया मैग्नीशियम या एक नाम इसका और है जिस नाम से जानते हैं मिल्क आप मैग्नीशिया, क्या है हिंदी में ही लिख देते हैं आपको मिल्क आप मैग्नीशिया, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यह दुधिया मैग्नीशियम या मिल्क आप मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ये क्या है, ये कहाँ काम में आता है, इसका उपयोग किया जाता है एंटा एसिड बनाने में। ठीक है, एंटा एसिड बनाने में प्रयोग किया जाता है इसका। एंटा एसिड क्या है कि जो एसिडिटी क्या एंटी हो, यानी कि जो एसिडिटी को मारता हो, एसिडिटी को खत्म करता हो। ठीक है, जैसे आप लोग
प्रचार देखते होंगे टीवी में, गैस वाला प्रचार नहीं देता है कि समोसा खाता है, समोसा खाने पर यहाँ जो उसका पेट होता है ऐसा फिगर बनाया रहता है, इस तरीके का फिगर होता है आपका, ये ऐसे फिगर होता है और इसी में क्या होता है ऐसे खूब बुलबुले उठते हैं, ऐसे बुलबुले उठते मतलब यहाँ पर लाल लाल दिखा देता है, जलन होता है उसको पेट में, खूब समोसा खाता है जलन होता है, तो जलन होने पर क्या होता है एसिड की मात्रा क्या होती है बढ़ जाती है पेट में, तो उसी को कहते हैं कि इनको एसिडिटी हो गया है, ठीक है। तो उस एसिड की मात्रा को खत्म करने के लिए क्षार दिया जाता है, तो क्षार दिया जाता है उसी क्षार को कहते हैं एंटा एसिड, यानी कि एसिड का क्या है एंटी है, एसिड को मार देगा, एसिड का दुश्मन है, तो यह क्षार जाता है और एसिड से क्रिया करके एसिड को दबा देता है, उसकी जो प्रकृति होती है एसिड की, एसिड की प्रकृति को खत्म कर देता है क्षार, ठीक है। और हमको क्या होता है कि जब दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी कि ना एसिड एसिड रह जाता है ना क्षार क्षार रह जाता है, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो दोनों अपना अपना गुण खो देते हैं, ठीक है। तो एसिड अपना गुण खो देता है या क्षार अपना गुण खो देता है, तो नॉर्मल हो जाता है पेट हमारा, हल्का हो जाता है, एसिडिटी फील नहीं होती है, पेट में जलन नहीं होता है। तो क्या करता है उसको डाइजीन खिलाते हैं सब ना, इनो कभी इनो पिलाते हैं और कभी क्या होता है डाइजीन पिलाते हैं, इनो तो 2 सेकंड में काम कर देता है लेकिन डाइजीन थोड़ा सा टाइम लेता है प्रचार के हिसाब से, 2 सेकंड में इतना जल्दी एसिडिटी नहीं खत्म होता है, ठीक है। तो डाइजीन खिलाते हैं, तो डाइजीन खिलाने पर ऐसे बबल्स उठता है और धीरे से एसिडिटी क्या होती है खत्म हो जाती है, ठीक। तो एंटा एसिड क्या है, डाइजीन जो हम लोग खाते हैं वह भी एक प्रकार का क्या है एंटा एसिड है, डाइजीन का गोली नहीं चबाते मुंह में लेकर के चूसते हैं वह भी एंटा एसिड है। बच्चों को डाइजीन मान लीजिए नहीं खा पाएंगे छोटे बच्चे, तो उनको जो होता है कि जब पेट वेट में दर्द होता है बच्चे रोते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि सफेद साग शीशी में देते हैं सब, यानी कि बॉटल में आता है जैसे सिरप होता है, तो उस सिरप में भरा होता है सफेद कलर का वह लिक्विड होता है, वह भी मिलके आप मैग्नीशिया ही होता है जो बच्चों को एसिडिटी में प्रयोग किया जाता है दवा के रूप में, और बड़ों के लिए भी डाइजीन का सिरप आता है भिन्न भिन्न नामों से आता है एंटा एसिड के रूप में, कि जो एसिडिटी हो गई है उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका तीसरा वाला एग्जाम्पल, तीसरा वाला उदाहरण, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, वह भी क्षार है, तो यह तीन हो गए आपके क्षार, ठीक है, बाकी हो गए अम्ल। अब हम अम्ल देख लिए और क्षार देख लिए, दो चीज हम लोग देख लिए कि अम्ल का परिभाषा क्या है और क्षार का परिभाषा क्या है, अम्ल के उदाहरण क्या है, क्षार के उदाहरण क्या है, ठीक। अब जो है कि यह जान लीजिए कि किस में, क्षार में तो बता दिए हम, क्षार में तो यही लिख करके ही बता दिए कि कौन सा क्षार है और उसका उपयोग क्या बनाने में किया जाता है, लेकिन अम्ल में आप जान लीजिए कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। तो इधर आप एक ऐसे चार्ट बना लीजिएगा और चार्ट में एक तरफ आप लिख लीजिएगा अम्ल का नाम, एक तरफ लिख लीजिएगा यहाँ पे अम्ल का नाम, अम्ल का नाम, और दूसरे तरफ लिख लीजिएगा पदार्थ का नाम जिसमें पाया जाता है। तो पदार्थ या फिर लिख लीजिए कि किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे चार्ट बना लीजिएगा इस तरह से, इस तरह से एक चार्ट बना लीजिएगा, आपके किताब में दिया हुआ है उसकी सहायता से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है, पहला वाला क्या है एसिटिक अम्ल, क्या है आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है सिरका में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है सिरका में, ठीक है। एक नंबर एसिटिक अम्ल का किसमें पाया जाता है सिरके में पाया जाता है। दूसरा है आपका सिट्रिक अम्ल,
ठीक है, या फिर उसी को कहते हैं साइट्रिक अम्ल, अंग्रेजी में CYTRIC लिखते हैं, ठीक। तो कुछ लोग सिट्रिक पढ़ते हैं, कुछ लोग साइट्रिक पढ़ते हैं, तो साइट्रिक ही लिख लीजिए, क्या है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जितने भी खट्टे चीज होते हैं, यानी कि भाई अम्ल है तो सब सब अम्ल खट्टे ही होते हैं, लेकिन जो ज्यादा खट्टा होता है यानी कि नींबू प्रकार की जो चीजें हैं, नींबू प्रकार की जो चीजें हैं, यानी कि जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इस टाइप की, इन सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसमें पाया जाता है? नींबू कुल के फलों में, नींबू कुल के फलों में पाया जाता है। नींबू कुल के फल कौन सा हो गया? नींबू हो गया और संतरा हो गया। नींबू और संतरा जैसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे नींबू और संतरा, नींबू और संतरा, मौसमी, इन सब में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। फार्मिक अम्ल तीसरा क्या है आपका? फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है कि जितने भी डंक मारने वाले जंतु होते हैं ना, जो चींटियां, जैसे चींटियां जो काटती हैं, चींटियां काटने पर एक छनछनाहट सी महसूस होती है ना, दर्द महसूस होता है, जहां काटती है सब फूल जाता है, तो वहां पर कैसे होता है, जब काटती है सब, तो वहीं एसिड सब अपना एसिड जो होता है, एसिड का स्राव कर देती है, एसिड छोड़ देती है, उसी एसिड के नाते जलन होता है, ठीक है। हमको तो थोड़ी सी झनझनाहट महसूस होती है। तो चींटी का डंक या फिर जितने भी डंक मारने वाले जंतु होते हैं, हड्डा जो डंक मारता है, ठीक है, तो इन सब में जो है डंक मारने वाले में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल ही पाया जाता है, ठीक है। तो चींटी के डंक में, चींटी ही लिख लीजिए, चींटी के डंक में या फिर डंक मारने वाले जितने जंतु होते हैं सब में फार्मिक अम्ल ही मिलता है आपका। लैक्टिक अम्ल चौथा है आपका। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो आप लोग देखे होंगे पैकेट में, ठीक है, दूध जो आता है, पैकेट वाला जो दूध आता है, जो बच्चों को पिलाया जाता है पाउडर घोर के, तो उसका नाम ही होता है लैक्टोजेन होता है, फिर प्रोलैक्ट होता है, कई नाम से आता है। तो दूध से संबंधित है लैक्ट, LACT, लैक्ट जहां लिखा है समझ लीजिए दूध से संबंधित है, ठीक। तो यह लैक्टिक अम्ल, तो दूध तो कड़वा, दूध तो खट्टा होता नहीं है, लेकिन दही कभी कभी खट्टी हो जाती है ना, तो जो दही जो खट्टापन आता है, उस दूध दही का खट्टापन होता है किसके कारण? दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ठीक। इसके बाद क्या है? अजैविक अम्ल, ठीक है, पांचवा है आपका अजैविक अम्ल। तो अजैविक अम्ल किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है अजैविक अम्ल, ठीक है। क्योंकि पालक को खाने पर आपको ये नहीं कर कैसे नहीं कर सकते, खट्टा ही लगता है, ठीक है, बन जाने पर, लेकिन कच्चा अगर पालक है खाएंगे तो थोड़ा सा दांत में हल्का सा खट्टापन महसूस होता है, बहुत हल्का सा, उसमें क्या पाया जाता है? अजैविक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। फिर क्या है? एस्कार्बिक अम्ल, पांच हो गया, पांच को नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए, पांच को नोट करिए, फिर छठा हम लोग लिखते हैं, मिटा दें, मिटा देते हैं। फिर क्या है आपका? एस्कार्बिक अम्ल छठा, एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? जो ज्यादा खट्टी चीज होती है, यानी कि विटामिन सी भी इसे कहते हैं, विटामिन
सी विटामिन सी का नाम है एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कार्बिक अम्ल है। तो विटामिन सी जिस समय पाया जाता है उस समय क्या है पाया जाता है एस्कार्बिक अम्ल। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है आंवला में और खट्टे फलों में और सिट्रस फ्रूट में, सिट्रस फलों में, ठीक है, सिट्रस फलों में। लेकिन जैसे कि हमने बताया ना सिट्रस फल में नींबू है संतरा है, तो नींबू संतरा में एक्चुअली सिट्रिक एसिड पाया जाता है, लेकिन वह सिट्रिक एसिड जो है वह एस्कार्बिक एसिड में भी परिवर्तित हो जाता है बाद में, कभी कभी एस्कार्बिक एसिड में भी परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि विटामिन सी जो है या फिर एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है खट्टे फलों में, एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है। और नाम लेकर के पूछेगा डायरेक्ट कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है तो सिट्रिक अम्ल होता है, संतरे में कौन सा होता है तो सिट्रिक अम्ल होता है, लेकिन अगर यह पूछ दिया कि एस्कार्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है तो सभी खट्टे फलों में एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक, इतना याद रखिएगा। फिर टार्टरिक अम्ल है, क्या है, सातवां है टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, कई चीजों में पाया जाता है, ठीक है, इमली में, कच्चे अंगूर में, कच्चा अंगूर खट्टा लगता है ना, कच्चे अंगूर में और कच्चे आम में, ठीक है, इमली में, कच्चे अंगूर में, कच्चे आम में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका, हमने बता दिया कि जो पदार्थ है उस पदार्थ में जो खट्टापन है वह किस अम्ल के कारण है, किस पदार्थ में, यही एक चार्ट के माध्यम से हमने बता दिया कि कौन से पदार्थ में खट्टापन किस अम्ल के कारण है। तो यह याद रखने वाली चीज है और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। तो यह आपका होमवर्क भी रहेगा कि सारे पदार्थों में पाए जाने वाले खट्टे, जो खट्टापन जिस अम्ल के कारण होता है, ठीक है, उनका नाम याद रखना, या पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों का नाम याद रखना, ठीक है, दोनों कर सकते हैं, पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों का नाम याद रखना या खट्टापन किसके कारण होता है उस अम्ल का नाम याद रखना, आपका यह समझ लीजिए कि होमवर्क के रूप में रहेगा, ठीक है, यह चीज हो गया, नोट कर लीजिए इसको आप लोग भी। अब इतना हो गया हमारा, अब हम लोग यह देखेंगे कि जो पदार्थों में खट्टापन है वह एक्चुअल में जो खट्टा है अम्ल है, तो हम परीक्षण कैसे करेंगे कि जानेंगे कैसे, सब चीजों को तो चखेंगे नहीं ना, मान लीजिए कि छार है तो साबुन को खा करके नहीं ना टेस्ट करेंगे कि ये छार है कि नहीं, चलो भाई खा लेते हैं टेस्ट करें, और इनमें से सारी चीजों को खा करके नहीं टेस्ट करेंगे ना कि खट्टा है, देखा कि खट्टा है तो अम्ल है, हर चीज भाई जो फल है तो फल को खा करके आप टेस्ट करके बता सकते हैं, लेकिन कई ऐसे अम्ल है जिनको टेस्ट करना मुश्किल है। तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है कि क्षार है, यह हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप नोट्स बना लीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, कोई भी अगर परेशानी होती है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।